तब तो मैं सेकंड ईयर में था अपना कॉलेज में सो आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस मैंने स्टार्ट किया था एज अ सेलर उसके बाद अपना फर्स्ट ब्रांड एग्जिट करके देन वी स्टार्टेड आवर एजेंसी जैसे सेल ग्लोबली किस तरह से हम करके इंडिया से बैठ के यूई और केएस में काम कर सकते हैं मेरे ख्याल से ये आपने जो ऐड किया है बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा जो भी लिसनर्स हैं यस हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू सेकंड पॉडकास्ट आज मेरे साथ हैं समी अख्तर फ्रॉम इंडिया एंड ही इज़ रनिंग एन ई कॉमर्स एजेंसी इन इंडिया और आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन इंडिया की मार्केट के हवाले से और इंडिया में बैठ के आप यू एन के ऐसे में कैसे सेल कर सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं क्या बेनिफिट्स हैं और फिर हम फर्दर इसमें आपको बताएंगे कि आप इंडिया से बैठ के यू एन के ऐसे में किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं So बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे आज इन्वाइट करने के लिए ऑब्वियसली ग्लोबल सेलिंग ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितना भी बात करे उतना कम है मैं अगर uh, मेरा इंट्रोडक्शन दूँ आप लोगों को तो मेरा नाम सामी अख्तर है मैं लगभग सात साल से ये सेम एमेजोन फील्ड पे मैंने स्टार्ट किया था एज अ सेलर उसके बाद अपना फर्स्ट ब्रांड एग्जिट करके देन वी स्टार्टेड आवर एजेंसी जहाँ पे हम लोग लगभग सिक्सटी प्लस ब्रांड्स ग्लोबली मैनेज कर रहे हैं विद थर्टी फाइव प्लस टीम मेंबर्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी और ग्रो करना है और ज्यादा मदद करना है सेलर्स को तो उसी सिलसिले में आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेट 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 तो समी आप कुछ बताएंगे कि आपकी एजेंसी की मेन एक्सपर्टीज क्या है जी बिल्कुल देखिए यहाँ पे हम लोगों ने या फिर मैं आपको बताऊँ ये कैसे स्टार्ट हुआ तो मैंने अराउंड टू थाउजेंड में, में ज्वाइन किया था तब तो मैं सेकेंड ईयर में था अपना कॉलेज में सो आई हैड बैड एक्सपीरियंस मेरे फादर का डेथ हो गया अचानक तो आई हैड टू स्टार्ट अ बिजनेस अभी आप सब जानते हैं इंजीनियर सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के ठीक है तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया सेमेस्टर फीस को लगा के जितना सेमेस्टर फीस वो मैंने लगा दिया बिजनेस पे हालांकि एक महीने बाद एग्जाम था तो वो एक अलग स्टोरी है वहाँ पे तो वो लगा दिया अपना फर्स्ट प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया था मॉप होल्डर ठीक है जहाँ पे बाकी सब लोग सेल कर रहे थे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस मैं सेल कर था डबल प्राइस तो सेल्स भी बहुत कम आ रहे थे दो तीन जहाँ पे प्रॉफिट्स बिल्कुल नहीं था लेकिन मैंने क्या किया बिजनेस को समझना स्टार्ट किया

उसके बाद मैंने वो ब्रांड अपना बिजनेस बिजनेस पार्टनर को, को हैंड ओवर करके खुद एजेंसी स्टार्ट किया क्योंकि एट द सेम टाइम मैं यूट्यूब चैनल भी बना रहा था अपना पूरा जर्नी वहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहा था कितना सेल हो रहा है कितना प्रॉफिट्स आ रहा है कितना वहाँ पे मैंने क्या सीखा है क्या फेलियर रहा है जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था एग्जैक्टली exactly हर एक दिन तो उससे एक रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हुआ कि सामी आप ये खुद कर रहे हो अपना ब्रांड के लिए तो हम लोग के लिए भी कीजिए तो उससे मुझे आइडिया है कि चलो अभी दूसरे के लिए करना स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम लोगों ने एजेंसी स्टार्ट किया उसके बाद एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया आई फाउंड माई को फाउंडर मिस संदीप उसके साथ मिलके हम लोगों ने डीग्रो मीडिया बिल्ड किया जो अभी लगभग सिक्सटी प्लस ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं ग्लोबली हर एक कंट्रीज का है ऑलमोस्ट विदर्टी फाइव प्लस टीम मेंबर्स टीम साइज आल्सो फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान फिलीपींस तो इस तरीके से अभी चल रहा है हम्म नाइस नाइस सेम जो आपने जर्नी बताई है मैंने भी ऐसे स्टार्ट की थी मैंने क्विट माई मैं जॉब तो मैं बिजनेस में आया पहली प्रोडक्ट लॉन्च की वो फेल हो गई तकरीबन फिफ्टीन थाउजेंड दर हम उसमें लॉस हुआ लेकिन ऑब्वियसली बात है आपको एक्सपीरियंस मिलता है फिर एक्सपीरियंस के बाद फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं और फिर उसको आप ग्रो कर सकते हैं तो यस जबरदस्त परीक्षा ने की जर्नी रही ऑब्वियसली बात है जो एक सेलर होता है उसको पता होता है कि क्या चैलेंजेस हैं क्या इश्यूज आ रहे हैं ग्रो कैसे करना है किसी भी ब्रांड को और फिर जो एक सेलर है वो एक क्लाइंट को अच्छे तरीके से समझा पाता है कि अच्छा जी आपके ये इशूज़ आ रहे हैं हम क्योंकि खुद स्पेस से गुजरे हैं हम आपके दर्द को समझते हैं तो लेट्स ग्रो टूगेदर ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया तो अभी इंडिया की आप अमेजोन की इंडिया, इंडिया की मार्केट को कैसे देख रहे हैं और वहाँ पे आपको ग्रोथ क्या नज़र आ रही है जी जी बिल्कुल देखिए अभी हम लोग अगर एग्जांपल दे कुछ कुछ ब्रांड्स जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं जिनका लगभग एक दो इंडियन रुपीस का मंथली है एक दो का स्पेंट है है ठीक का मंथली स्पेंड तो अगर वो करोड़ का मंथली स्पेंड कर रहे हैं तो उनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा वो लोग जनरेट कर रहे हैं वहां से तो इंडिया में अभी ना फंडिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है इट इज रियली फ्लरिशिंग राइट नाउ तो क्या हो रहा है ना इंडिया में अभी क्योंकि फंडिंग फंड रेजिंग बहुत अच्छे से हो रहा है तो इसी वजह से ब्रांड्स अभी बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं स्केलिंग में तो उनको एग्जैक्टली exactly पता है कि हाँ उनको कितना खर्चा करना है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए अभी वो कस्टमर उनके साथ कितने साल तक रहेंगे क्या वो एक साल है दो साल है तो वो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए ये मेरा लाइफ टाइम वैल्यू है कस्टमर का अभी ब्रांड्स जो डी के ऊपर फोकस करे वो मार्केट प्लेस को कम समझते हैं या फिर बहुत कम समझते हैं क्योंकि अमेजॉन एक ऐसा जगह है जहाँ पे एल्बोदम शिफ्ट होता रहता है

क्योंकि आपको अगर पूरा नहीं पता है तब आप टॉप ऑफ द फनल पे ट्रैफिक बढ़ा के आपको फायदा होगा नहीं exactly. तो वही कर रहे हैं ये ब्रांड्स को एग्जैक्टली exactly पता है कि इनका लाइफ टाइम ए कितना है जो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्योंकि आप अगर सीपीसी देखेंगे राइट right नाउ मैं अगर इंडिया का बात करूँ यूएस का बात करूँ क्योंकि इंडिया में ट्राफिक बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे कॉस्ट कॉस्टिक हरदम हर दफा बढ़ता रहता है तो अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं फाइव हंड्रेड का तो उसको सेल करने के लिए ब्रांड्स को कभी कभी सात सौ आठ सौ रुपए खर्चा हो जाता है तो अभी क्वेश्चन आ जाता है कि वो कमाई कह, कहां से करे क्योंकि अगर उनका कॉस्ट इतना लग रहा है जहां पे उनका प्रोडक्ट कॉस्ट है एड कॉस्ट है मार्केट प्लेस कॉस्ट है तो बेसिकली नेगेटिव पे जा रहे हैं अभी उनका पैसा बनेगा कहाँ पे सब्सक्राइब एंड सेव लाइफ टाइम वैल्यू ये सब ए कॉस्ट इन फ्रंट वो लोग फोकस करें ए कॉस्ट इन द लाइफ टाइम वैल्यू ठीक है तो लाइफ टाइम में अगर वो कस्टमर एक साल तक रहता है तो उसमें उनका एक कॉस्ट कितना आ रहा है क्योंकि तब वो सेल निकल जाता है तब वो देख सकते हैं कि लाइफ टाइम एक कॉस्ट लाइफ टाइम टैकोज कितना आ रहा है दैट इज द मेन मेट्रिक्स तो इंडिया तो अभी बहुत अच्छा कर रहा है इवन हम लोग देख रहे हैं जो इंडियन ब्रांड्स है जो इंडिया में बहुत अच्छे कर रहे हैं वो अभी ग्लोबली शिफ्ट कर रहे हैं ग्लोबली शिफ्ट मतलब ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं फर्स्ट विद नॉर्थ अमेरिका देन गोइंग यूरोप अदर कंट्रीज वो शिफ्ट कर रहे हैं बहुत ईजिली और क्योंकि अमेजन इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया है जहाँ पे आपको

अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है सेलर्स के लिए यहाँ पे क्या होगा जो मुझे लग रहा है ये सिंपली आपका सी इंक्रीज करेगा और कन्वर्शन रेट ड्रॉप होगा क्योंकि कस्टमर जब लिस्टिंग के अंदर जा रहे हैं उनको रिव्यूज दिख रहा है कितना है नहीं है लेकिन वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये होता है कि उनको कम दिख रहा है मतलब कंपेयर करने का जगह नहीं है वहां पे जब पे पहले नंबर शो कर रहा था अभी वहां पे कंपेयर करने का जगह नहीं है लेकिन फिर भी कस्टमर जो जो बाकी कम्प्यूटर्स है वो एड्स जैसे रन करते हैं तो वहां पे दिख जाता है रिव्यूज एक और स्ट्रेटेजी हम लोगों ने ट्राई किया था रिसेंटली जहाँ पे हम लोगों ने एक स्टोर एक पेज पे सिंगल पेज बनाया सब पेज जिसको बोलते हैं उस सब पेज में हम लोगों ने जितने भी मॉड्यूल्स है सब पेज का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके बनाया फर्स्ट प्रोडक्ट मॉड्यूल हम लोगों ने ऐड किया प्रोडक्ट टाइटल वहाँ पे आपका प्रोडक्ट का छोटा सा इमेज आता है टाइटल आता है प्राइस आता है एड टू कार्ट बटन आता है एंड सी ऑल डिटेल्स बटन आता है

सेल ग्लोबली करके मिडल ईस्ट को टारगेट कर सकते हैं जैसे यू की मार्केट बहुत अच्छी ग्रो कर रही है सेम एज ए जो KC के एस की मार्केट है आपको पता है कि वहाँ पर तो बिजनेस अच्छा खासा आ रहा है अभी हम भी यू में अच्छी खास एक्सपेंशन कर रहे हैं मेरे अपने चार ब्रांड्स हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ एम एन एम वी आर वर्किंग विद मोर देन फिफ्टीन क्लाइंट्स जो लोकल इनके ब्रांड्स हैं उनको हम यू ई अमेजोन यू पे भी लेके आए हैं और हम के की तरफ भी मूव कर रहे हैं तो क्या Uh, Amazon इंडिया uh, से आप सेल uh, ग्लोबली करके यू और के सीम जो उन्होंने अभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं क्या ख़्याल है आपका कि किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हुआ है सेल ग्लोबली किस तरह से हम करके इंडिया से बैठ के यू और के एस एम में काम कर सकते हैं जी जी जैसे आपने बताया दुबई का मार्केट और सऊदी अरबिया का मार्केट ये मार्केट हम लोग को पता है कि यहाँ पर आपका ओबियसली कस्टमर ऑर्डर वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगा Exactly. और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं प्रोडक्ट का प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई है और अभी मार्केट क्योंकि नया है तो प्रोडक्ट्स ज्यादा कंपिटिटिव भी नहीं है मार्केट ज्यादा कंपिटिटिव भी नहीं है कम्पटिटिव मतलब आप देख पा रहे होंगे रिव्यूज कम है जो मार्केट से ही सेल कर रहे हैं डायरेक्टली यू से ही Yes. तो यहाँ पे जैसे अपॉर्चुनिटी आ जाता है ग्लोबल सेलिंग का तो आपको जो प्रोडक्ट्स पता है यूएई में डिमांडेबल है हालांकि बहुत कम प्रोडक्ट्स है अभी तो बहुत अच्छा मार्केट है न्यू मार्केट है पे एंटर कर सकते हैं अभी yes. हर एक मार्केट आपको पता है यूएस भी जब स्टार्ट हुआ था बहुत छोटा मार्केट था लेकिन अभी आप देखेंगे कितना कम्पटेटिव कि 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 हो चुका है यू भी सेम है क्योंकि यू इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस और वहां पे कस्टमर खर्चा करना चाहते हैं yes. क्योंकि वहां पे पैसा बहुत ज्यादा है तो अमेजॉन जो अपॉर्चुनिटी देता है आ, लीगली बहुत ज़्यादा इजी कर चुके हैं सेलर्स को अमेजोन खुद शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इवन मेरे ख्याल से ये पॉइंट के ऊपर आप भी थोड़ा टच कर सकते हैं जैसे मेरे ख्याल से अभी अगर आप इंडिया से यूई में सेल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज जो चाहिए वो वैल्यू एडेड टैक्स आपको बनाना होगा आ, या फिर कुछ और शायद लीगली आप कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो मेरे ख्याल से ऑडियंस को मदद करेगा पहले तो आप मुझे बताओ कि जब आपका फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेलर का एमेजोन डॉट इंडिया के ऊपर अकाउंट है वो सेल ग्लोबली ऑप्शन को यूज uh, करके अपना जो अकाउंट है वो लिंक कर देता है और फिर वो ही कैन सेल इन द ई और केयर से ठीक है अब आपके पास सेकेंड ऑप्शन आ गई सेकेंड आपको ऑब्वियसली बात है एज एन ओवरसीज कंपनी क्योंकि आप यू से बाहर बैठे हुए हैं इंडिया में या किसी और भी कंट्री में बैठे हुए हैं तो यू का लॉ ये कहता है कि आपको डे वन से वैट रजिस्टर करवाना है ठीक है अब वो आपका जो वैट है वो फाइव परसेंट आपको इम्प्लीमेंट होगा डे वन से तो आपको सबसे पहला जो काम करना है अगर आपने से इवन, इवन कहना है तो फिफ्टीन परसेंट वैट है तो आपको डे वन से इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना है इन द यू और इन केएस से फिर आप उसको सेल कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने स्टार्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी और आपकी अच्छी सेल्स भी जनरेट हो रही हैं ऑब्वियसली बात है इनका जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है वो देख लेगा अच्छा आप तो सेल्स कह रहे हैं और आपका वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपको फाइन कर देंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अगर यू में या के में सेलिंग करनी है तो आपको डे वन से वैट करवाना है रजिस्टर्ड ठीक है तो ये तो लीगल एस्पेक्ट हो गया फिर क्या आपको करना है कि अगर आपको एक बिजनेस को अपने इसके स्के, अपस्केल करना है तो यूई के अंदर आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है क्योंकि यू का लॉ ये कहता है कि चाहे आपने ई कॉमर्स करना है या कोई भी फिज़िकल बिज़नेस करना है तो आपको वहाँ पे इस कंट्री के अंदर कंपनी को रजिस्टर करवाना है और अगर आपके पास ई कॉमर्स का वीज़ा के साथ लाइसेंस आप लेते हैं तो मिनिमम आपकी जो कॉस्ट है वो फिफ्टीन थाउजेंड दरम्स है जो आपको पे करनी है जिसमें आपको वन ईयर का लाइसेंस मिलेगा और टू ईयर्स का वीज़ा मिलेगा आप यू में आएंगे यू में आके आपको वीज़ा मिलेगा वीज़े की बेस पर आपको बैंक अकाउंट मिल जाएगा फिर आपकी ट्रांजेक्शन स्मूथ हो जाती हैं तो ये सेकेंड ऑप्शन हो सकती है पहले ऑप्शन क्या है कि आप सेल ग्लोबली करके इंडिविजुअल बेसिस पे काम करें देन जैसे आपको दिखता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपको यूई में आके अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं फिर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी आप एक और चैलेंज क्या आएगा कि हम फिर शिपिंग और लॉजिस्टिक को कैसे देखें हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं तो उसका भी बहुत आसान है आपने शिपिंग प्लान बनाना है शिपिंग प्लान बनाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है आप डायरेक्ट इंडिया से अमेज़ॉन के वेयर हाउस भी डिलीवर कर सकते हैं एफ़ में या फिर आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं थ्री पी एल सर्विसेज़ यू के अंदर काफ़ी लोग हैं जो आपको वेयरहाउसिंग भी देते हैं स्टोरेज भी देते हैं और आपके लिए लेबलिंग करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस डिलीवर कर देते हैं तो आपका ये भी मसला हल हो जाएगा कि मैं इंडिया से बैठ के किस तरह से लॉजिस्टिक और शिपिंग लॉजिस्टिक को हैंडल करूँ वो बहुत ईजी है आपने बस सामान डिलीवर करना या अमेज़ोन के एफ डिलीवर कर दें या यूई के अंदर थ्री पे सर्विसेज यूज कर लें वो आपके बिहाफ पे सब कुछ करेंगे जी 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 मेरे ख्याल से ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया यहाँ पे आ, क्योंकि मेरे ख्याल से दुबई में अगर आप लीगली टैक्सेस में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है जो अगर आपका बिजनेस स्पेसिफिकली वहाँ पे सेट किया हुआ है इवन विद योर बिजनेस अकाउंट एंड एवरीथिंग तो बहुत ज्यादा बेनिफिट शायद ऐड करता है मेरे ख्याल से ये आपने जो ऐड किया है बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा जो भी लिसनर्स हैं yes. क्योंकि अगर आप लीगल वे में कोई भी काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर आपका ही फायदा है आ, यहाँ पे अक्सर क्या होता है कुछ ब्रांड्स आते हैं इवन जो इंडिया के भी कुछ ब्रांड्स हैं वो यू ई में आपको पता है कि काम कर रहे हैं फिजिकल बिजनेस भी कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रॉपर वे में यहाँ पे कंपनी स्टेब्लिश करके अमेजोन कंपनी अकाउंट ओपन कर लेते हैं और देन दे स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन इवन एमेज के अलावा आपको पता है कि नून का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इन द यू नून जो है वो सेकेंड बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है इवन के के अंदर भी लेकिन नून की रिक्वायरमेंट क्या है कि नून के ऊपर आपको काम करने के लिए डे वन से आपको कंपनी बनानी है आपके पास कंपनी हो आपका लाइसेंस हो लाइसेंस की बेस पे आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट हो और आप वैट रजिस्टर्ड हो देन आप नून के ऊपर अपना अकाउंट बना के सेल कर सकते हैं अच्छा ओके 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 तो... ऐसे आप दुबई के मार्केट देख ही रहे हालांकि हम लोग का कोई भी क्लाइंट दुबई में का नहीं है जो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कस्टमर क्वालिटी कैसा लग रहा है क्योंकि मैं अगर यूएस का बताऊं आपको पता है यूएस में रिटर्न रेट पे स्पेंड करने का यहाँ पे अगर मैं दुबई के मार्केट के बाद पूछू आपका अच्छा खासा आप क्या बताना चाहेंगे कैसा है मार्केट कस्टमर क्वालिटी कैसा है यू की मार्केट बहुत अच्छी है अगर हम इनके पॉपुलेशन की, की बात करें तो मोर देन एसेंट तो यहाँ पे बाकी आपको लोकल अमारातीस मिलेंगे यहाँ पे सो so, प्राइस uh, के ऊपर ऊपर हम बात करें तो प्राइस में भी दो ऑप्शन है आपके पास आप लो कैटेगरी प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं और आप हाई टिकट प्रोडक्ट्स पे भी जा सकते हैं जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑब्वियसली बात है रिटर्न बहुत कम है इवन जीरो है आप uh, जो लो टिकट प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली बात है अगर आपकी क्वालिटी में आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपको रिटर्न भी आएंगे सो एज कम्पेयर टू यूरोप या अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से रिटर्न रेट ज़्यादा हैं उसकी वजह यह है कि आ, आप यू के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट्स बना के आप स्टार्ट आ, सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं सो so, जो होल मार्केट है वो आपके लिए बहुत आसान है जाना आप जाएंगे जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगी उठा के लेके ले आप मीटू कर देंगे आप जेनरिक लिस्टिंग में बेचना शुरू कर देंगे सो so, आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं ऑब्वियसली बात है ब्रांड बिल्डिंग में आपका जो प्रायोरिटी होती है वो आपकी क्वालिटी uh, होती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है ताकि आपको रिटर्न कम आए सो so येस yes, जो हम ब्रांड फूड बिल्ड करते हैं उसके ऊपर तो हमारा प्रॉपरली क्वालिटी चेक होता है और कंट्रोल भी होता है वहाँ पे हमारा जो रिटर्न रेट है तो बहुत ही कम होता है लेकिन अगर आप वैसे ही स्टार्ट करेंगे काम और लोकल मार्केट में जाएंगे सामान उठा लिया तो रिटर्न तो आपको बहुत ज़्यादा आएंगे जी जी मेरे ख्याल से ये कस्टमर क्वालिटी जैसे आपने बताया दुबई में ओबियसली हम लोग जानते हैं दुबई एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कस्टमर्स पे करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा हालांकि मार्केट नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से आपने जो बताया वो एक अच्छा पॉइंट है हम लोग को देखने के लिए क्योंकि यूएस में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हम लोग पास डेटा है बहुत सालों का हालांकि यूएई में या फिर मैं अगर बात करूँ सऊदी अरबिया का वहाँ पे भी डेटा बहुत कम है हम लोग के पास लेकिन yes. जिस हिसाब से डेटा आते रहेंगे हम लोग ये भी देख पे आएंगे कि हाँ कस्टमर्स का जैसे यूएस में आप देख पा रहे हैं ना सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सब कुछ हम लोग के पास अवेलेबल है हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट डेटा अमेजॉन प्रोवाइड कर हालांकि यू में डेटा क्योंकि कम है तो मेरे ख्याल से हम लोग को थोड़ा और इंतजार करना होगा mm -hmm. ये एग्जैक्टली exactly जानने के लिए कि हाँ कितना ज्यादा हम लोग यहाँ पे और एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली कर सकते हैं क्योंकि अमेजॉन बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं ग्लोबली एक्सपेंड ब्रैंड, वो अभी आ रहा है और लोगों को अवेयरनेस भी हो रही है और जो ब्रांड का गैप जो मैं देख रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा है तो आप अगर यहाँ पे आए अपना ब्रांड बिल्ड करें और क्वालिटी के साथ आपकी अपने क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइजिंग करना ये यू कैन यू नो कैप्चर अच्छी मार्केट आप कैप्चर कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बड़ा अच्छा लगा आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप uh, इंडिया में बैठ के सेल ग्लोबली कर सकते हैं और जो जो आपको चैलेंजेस आते हैं वो किस तरह से आप उसको फेस कर सकते हैं और उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं वंस अगेन थैंक यू सो मच फिर एक और नेक्स्ट सेशन ऑन द पी पी सी और रैंकिंग के ऊपर सो वंस अगेन थैंक् बहुत बहुत तो शुक्रिया